अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाएंगे, कहां दारोगा को मैडम जी ने लगाई तगड़ी लताड़, कहां चलती कार के नीचे आई मासूम बच्ची तो हुआ करिश्मा, और कहां बिहार में रास्ता हुली ट्रेन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरठ की ऐसी कहानी जिसमें यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने एक दारोगा को ऐसी लताड़ लगाई कि वो हो गया शर्म से पानी पानी। दरअसल मवाना थाना क्षेत्र से एक महिला सुषमा सिंह से शिकायत करने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि 5 महीने पहले उसके ससुर ने महिला के साथ गलत नियत से हमला किया, रेप करने की कोशिश की। इसे लेकर मवाना थाने में केस भी दर्ज हुआ, लेकिन बावजूद इसके 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला के आरोप के मुताबिक पति और ससुर होटल में गोरख धंधा करते हैं, लड़कियों की सप्लाई करते हैं। इससे जुड़े चैट्स पीड़िता ने मैडम जी को जब दिखाए तो वो दारोगा पर भड़क उठी। कैसे झूठ बोलती हो सर, घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है, क्या लिखा है इसमें? इतना मिलने के बाद वैसे ही हुआ, वो तुम्हारा जो है होटल वोटल सील हो जाना चाहिए, इसीलिए एसपी ऑफिस में भेजो। मेरे को भेजने बताती हूँ कैसे, और इसका जरा मैं इसको तो यही करना था, घर में बेटियां हैं, मेरे को भेजने बताती हूँ कैसे, और इसका जरा मैं इसको तो यही करना था, घर में बेटियां हैं। मुझे उस केस में गुस्सा नहीं आया था, मैं थोड़ा करेक्शन कर देती हूँ। वो महिला का जो केस चल रहा था उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो जिनको जो उसके आयु हैं उनके द्वारा एक महिला के द्वारा एक व्हाट्सएप चैट दिखाई गई थी जो उनके पति के द्वारा थी, और बताया ये गया है कि मवाना में कोई होटल है वो उसके मालिक हैं। तो वो जो चैट थी वो चैट ये शो करती है कि उसमें लड़कियों को बेचना और उनकी जो बोली लगाना लाइक पैसों में बेचना और इस तरीके का वो चैट जो कहता है वो ये था। जब आईओ से ये पूछा गया तो आईओ ने इस बात का बोला कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है, देखा तो 2 दिन पहले जानकारी, कुछ किया तो कुछ नहीं किया अब तक ये जवाब दिया। और जब ये कहा गया कि इसमें क्या है तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जब उनसे पढ़वाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मेरा ये कहना है जब आपको पता लग गया है एक चैट है, आप कम से कम एक इंक्वायरी तो प्राइमरी सेटअप कर ही सकते हैं ना। दूसरी खबर है अलीगढ़ जिले से, जहां एक मासूम बच्ची चलती कार के नीचे आ गई। इसके आगे जो हुआ वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। घटना इगलास थाना इलाके के गांव कजरौट की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक 1.25 साल की बच्ची अपने घर के सामने खेल रही है। इस दौरान बच्ची खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गई, उसी दौरान एक कार वहां आती है। कार चालक जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है बच्ची कार के नीचे आ जाती है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। इतनी बड़ी गाड़ी एक बच्ची के ऊपर चल पड़ती है तो सोचिए क्या होगा। ये देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। एक शख्स आनन फानन में बच्ची की ओर दौड़ा, उसने कार के नीचे जा पहुंची बच्ची को तुरंत निकाला। बच्ची निकली तो उसे एक खरोंच भी नहीं थी, बच्ची को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। ये वीडियो देखकर अब हर कोई से करिश्मा बता रहा है। तीसरी और आखिरी अनोखी खबर है बिहार से, जहां एक ट्रेन रास्ता भूल गई। दरअसल ये ट्रेन समस्तीपुर की जगह विद्यापति नगर स्टेशन पहुंच गई। हुआ यूं कि अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रास्ता भटक गई। एक्सप्रेस ट्रेन को समस्तीपुर जाना था लेकिन उसे हाजीपुर की ओर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन में 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद ड्राइवर को रूट गलत लगा, तब उसने ट्रेन को रोककर स्टेशन मास्टर से बातचीत की तो गलती का एहसास हुआ, यानी कि एक बड़ा हादसा होते होते यहां टल गया। बताया जा रहा है कि सोनपुर रेल मंडल के बछवारा जंक्शन पर कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर की लापरवाही की वजह से अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की दिशा बदल गई, लेकिन ट्रेन चालक की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।